इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। पूरी दुनिया के 10 सबसे बड़े मंदिर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से बहुत से मंदिरों के बारे में आप नहीं जानते होंगे। हिंदुओं को भी मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि वीडियो में आगे बताए गए 10 मंदिरों में से 3-4 मंदिर तो ऐसे होंगे जिनके नाम ही आप इस वीडियो में पहली बार सुनोगे। और इस लिस्ट में जो मंदिर सबसे टॉप पे है उसके बारे में तो 100% चैलेंज कर सकता हूँ, आप में से 90% लोगों को नहीं पता होगा। आपकी एक्साइटमेंट में और एडिशन करते हुए आपको ये भी बता दूं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर एक हिंदू मंदिर तो है लेकिन वो इंडिया में नहीं है। क्यों हो गए ना हैरान? अपनी इस एक्साइटमेंट को बरकरार रखो और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना वर्ल्ड के सबसे बड़े मंदिर के बारे में जानने के लिए। और अगर आपको दुनिया का सबसे बड़े मंदिर की जानकारी हैरान कर दे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं बेस्ट मंदिरों का काउंटडाउन इंट्रो के बाद। गाइस, नंबर 10 वाले मंदिर की तरफ बढ़ने से पहले ही आपको बता दूं कि ये वीडियो टॉप 10 हिंदू टेंपल्स पे नहीं है, बल्कि हमने इस वीडियो में टॉप 10 बेस्ट टेंपल्स अराउंड द वर्ल्ड कवर किए हैं जिनमें हिंदू टेंपल्स भी हैं। नंबर 10, बालबेक। है ना नया नाम, बालबेक को हिलियोपोलिस भी कहा जाता है। ये काफी अच्छा आर्कियोलॉजिकल साइट है नॉर्थ ईस्ट लेबेनॉन में। ये साइट रोमन्स ने बनवाई थी। इसका काम 1st century BC में स्टार्ट हुआ था और इसे बनने में 2 सेंचुरी से भी ज्यादा लग गए थे। अब तो ये साइट सिर्फ एक खंडहर ही बची है, लेकिन खंडहर होने के बावजूद अभी भी इसकी सुंदरता बरकरार है, इसीलिए काफी लोग अभी भी इसे देखने जाते हैं। नंबर 9, टेम्पल ऑफ क्राइस्ट द सेवियर। दोस्तों, ये टेम्पल मॉस्को की एक काफी खूबसूरत लेकिन कॉन्ट्रोवर्शियल बिल्डिंग है। ये टेम्पल डेडिकेटेड है जीसस क्राइस्ट को और इस टेम्पल को जीसस के लिए तब बनवाया गया जब उन्होंने रशिया को नेपोलियन की आर्मी से बचाया था। आपको बता दें, इस टेम्पल का इतिहास काफी ही पेचीदा है। अगर आपको इसका पेचीदा इतिहास या फिर बताए गए किसी भी मंदिर की डिटेल इतिहास जानना है तो आप कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं, हम रिसर्च करके उस टॉपिक पे अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ले आएंगे। नंबर 8, टेम्पल ऑफ सेंट सावा। ये टेम्पल बेलग्रेड सर्बिया में है और ये दुनिया का लार्जेस्ट ऑर्थोडॉक्स चर्च बिल्डिंग है और ये चर्च डेडिकेट करता है सर्बियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के फाउंडर सेंट सावा को। नंबर 7, टिकाल टेंपल फोर्थ। ये 200 से 300 एडी के बीच सबसे बड़ी सिटी हुआ करती थी। टिकाल में 6 बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स हैं, जिनमें से पिरामिड फोर्थ मेन टेंपल है जो 230 फीट ऊंचा है। टिकाल पेटिन बेसिन के आर्कियोलॉजिकल रीजन में है जो अब नॉर्दर्न गुएटेमाला का हिस्सा है। नंबर 6, जेटावना रम्या। ये श्रीलंका के अनुरुद्धपुरा में है। अगर इसे वॉल्यूम से मेजर करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टूपा है। जिनके लिए स्टूपा शब्द नया है उनको बता दें, स्टूपा बेसिकली एक माउंड लाइक या फिर हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको बुद्धिस्ट मॉन्क और नंस यूज करते हैं मेडिटेशन के लिए। जेटावना रम्या को 3rd century AD में राजा महासेना ने बनवाया था। इसे बनवाने में लगभग 93.3 मिलियन बेक्ड ब्रिक्स का यूज हुआ था। नंबर 5, श्री रंगनाथ स्वामी। ये मंदिर भगवान रंगनाथ को समर्पित है। जो भगवान विष्णु जब लेटे होते हैं उनकी उस फॉर्म को रंगनाथ कहते हैं। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु और तीर्थयात्री आते हैं। ये पूरा मंदिर लगभग 156 एकड़ में बना हुआ है। ये दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। वास्तव में तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा फंक्शनिंग मंदिर है, मतलब यहाँ हमेशा ही भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, इसीलिए ये दुनिया का सबसे कामकाजी मंदिर भी है। ये मंदिर काफी पुराना है, 10th century में बना था ये। नंबर 4, अक्षरधाम टेंपल। अक्षरधाम टेंपल न्यू दिल्ली में है। 2005 में BAPS संस्था के द्वारा बना के कंप्लीट किया गया था। पूरे अक्षरधाम में एक भी स्टील और कंक्रीट का सपोर्ट नहीं लिया गया है। इसे राजस्थानी पिंक सैंडस्टोन और इटालियन करारा मार्बल से बनाया गया है। नंबर 3,
बोरोबुदुर। बोरोबुदुर इंडोनेशियन आइलैंड में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेंपल है। इसको बनाने में 75 साल का समय लगा था। ये 8th से 9th सेंचुरी के बीच शैलेंद्र किंगडम के द्वारा बनाया गया था। इसे बनाने में लगभग पत्थरों के 2 मिलियन ब्लॉक्स का यूज हुआ था। नंबर 2, करनाक। करनाक जिसको ग्रेट हिपोस्टाइल हॉल भी बोलते हैं। हालांकि अभी तो इसका हॉल काफी खराब हो गया है, मतलब अब पूरा खंडहर हो चुका है ये। इनफैक्ट इजिप्ट की कुछ साइट्स इससे अच्छी हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एंशियंट टेंपल कॉम्प्लेक्स था और ये सबसे खूबसूरत कारनामा था इजिप्शियन बिल्डर्स का। कहा जाता है जब ये था तो इसकी सुंदरता का जवाब ही नहीं था। इसकी इसी सुंदरता के चलते इसके खंडहर हो जाने के बाद भी करनाक इस लिस्ट में टॉप 2 में है। करनाक में 134 बड़े पिलर्स थे जिनके ऊपर छत बनी हुई थी, लेकिन अब वो छत पूरी तरह से नीचे ढह गई है। दोस्तों, अब वो टेंपल साइट जो दुनिया की सबसे बड़ी टेंपल साइट है और जिसके लिए हमने आपको चैलेंज किया था कि आप में से ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे और यहाँ तक काफी लोग इसका नाम भी पहली ही बार सुनेंगे, लेकिन ये एक हिंदू मंदिर ही था। और याद है ना, अगर इसके बारे में नहीं जानते तो लाइक सब्सक्राइब करना है, वरना बाकी भगवान से निपटना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसमें। तो दोस्तों, पेश करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट टेम्पल। बताओ कमेंट्स में कितने लोग इसके बारे में पहले से जानते थे और इसका नाम भी सुना था या नहीं। दोस्तों, अंकोर एक टेंपल साइट है जो एक्चुअली में एक हिंदू टेंपल ही है, लेकिन ये इंडिया में नहीं है बल्कि ये कंबोडिया में है। अंकोर में खैमेर एम्पायर के काफी शानदार अवशेष अभी भी मौजूद है जो 9वीं से 15वीं शताब्दी तक थी, और अंकोर टेम्पल को भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए बनाया गया। खैमेर किंगडम के राजा सूर्यवर्मन सेकंड ने इस मंदिर को बनवाया था। इसे बनाने में 30 साल का समय लगा था। 12th सेंचुरी तक जब तक खैमेर एम्पायर थी तब तक ये विष्णु जी का ही टेंपल था, लेकिन 12th सेंचुरी के बाद इसे एक बुद्धिस्ट टेंपल बना दिया गया था। कैसे बनाया गया था ये मंदिर, इसके पीछे की हिस्ट्री जाननी है तो कमेंट्स में बताओ। इस वीडियो में बताने लगेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और हमको सब पता है आप लंबी वीडियोस खोलोगे ही नहीं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे बड़े टेंपल साइट्स। उम्मीद करते हैं आप सबके लिए ये वीडियो इंटरेस्टिंग रहा होगा। दोस्तों, दुनिया के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें मंदिरों के बारे में जानने में रुचि है। मिलते हैं एक और नए इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और खुश रहें। जय हिंद।